recording. Yes. So our next topic is constant member function. So constant member function से पहले आपने last year C में constant variables पढ़े होंगे, ठीक है? So ये एक variable है int I, इसको हमने constant बना लिया है, ठीक है? अब यहां पर I variable एक बार जो initialize कर दिया है उसकी value वही रहेगी, मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको, जैसी चेंज करने की कोशिश करोगे उस पे एरर आएगी। लेकिन यहां पे उसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल को तो मॉडिफाई करके असाइन कर सकते हो, जैसे इंट जे इक्वल टू आई प्लस 10। तो यहां पर हम आई की वैल्यू नहीं मॉडिफाई कर रहे, यहां पर हम जे की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उसको भी हम कॉन्स्टेंट दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर जे की वैल्यू आई से 10 ज्यादा है और वो बस वो वही रहेगी, इसके बाद वो मॉडिफाई नहीं होगी। अब यहां पर आपने आई प्लस प्लस लिखा तो ये एरर है, अगर जे प्लस प्लस लिखोगे तो भी एरर है। तो इसको अगर हम कंपाइलर पर देखें, सो दिस इज द प्रोग्राम, ठीक है? यहां पर अगर मैं इसको ये करता हूं आई प्लस प्लस एंड, तो यहां पर देखो ये कंपाइल नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज आई इज कॉन्स्टेंट हेयर। अगर आई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, सो दिस विल लीड टू एरर। क्लियर? अगर यहां पर मैं इसको हटा दूं तो ये प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा। देखो यहां पे ये कंपाइल हो गया है, तो अब क्या आउटपुट आएगी भाई? एनीवन? जे प्लस प्लस, तो ये भी है क्योंकि जे क्या है? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो वर्क कर जाना था। क्लियर? सो नाउ अब हमने कांस्टेंट वेरिएबल्स को तो देख लिया है, अब हम कांस्टेंट क्लास वेरिएबल को देखें। यहां पर आई क्या है? डेटा वेरिएबल। आई इज डेटा वेरिएबल और पब्लिक टेस्ट ये क्या होगा भाई? सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास विद नो रिटर्न टाइप, ये कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अब ये जो लिखा है ना कॉलन के साथ आई एक्स, अगर आप किसी डेटा वेरिएबल की वैल्यू थ्रू कंस्ट्रक्टर आप इनिशियलाइज करना चाहते हो कांस्टेंट वेरिएबल की, इसका मीनिंग क्या है देखो ध्यान से सुनना। यहां पर जो कॉन्स्ट आई लिखा है इसका मतलब आई क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल। तो इसकी वैल्यू कहीं बाद में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, जब ऑब्जेक्ट बनेगा जो उसकी वैल्यू असाइन होगी तो वही रहेगी। अगर इसकी वैल्यू को आप मॉडिफाई करने की कोशिश करोगे या एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो एरर आएगी। सो लेट अस सपोज आपने यहां पर आई प्लस प्लस कर दिया यहां पर किसी और फंक्शन में, तो वो एरर थी। तो लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू इसको कैसे दें? जब ऑब्जेक्ट बने तब ही हम इनिशियलाइज करें, तो उसके लिए सिंटेक्स इसका ऐसे होगा, कॉलन विद वेरिएबल नेम और उसके साथ में हमने जो भी वैल्यू पास कर दी वो आई को असाइन हो जाएगी। इज इट क्लियर? अगर नहीं क्लियर तो मैं अभी कंपाइलर पे रन करके दिखाता हूं, तो मे बी आपको और आइडिया लगे इसका। यहां पर देखो क्लास इज टेस्ट, हेयर इट इज ऑल्सो टेस्ट, सो दिस मीन्स दिस इज एन कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और यहां पर देखो आप क्या कर रहे हो, इंट एक्स, मतलब जो 190 पास करोगे यहां पर वो एक्स में जाएगा और वही वैल्यू आपकी आई को पास हो जाएगी, तो ये इनिशियलाइज हो गया। तो एक ही बार ये क्योंकि कॉन्स्टेंट वेरिएबल है तो एक ही बार इसकी वैल्यू सेट होगी, अगर इसको बाद में आप वैल्यू सेट करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगी। सो इफ आई रन हेयर दिस प्रोग्राम,
देखो आई की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, कोई एरर नहीं है। लेकिन जैसे यहां पर इनपुट क्या है, मेंबर फंक्शन ऑफ डी क्लास, और उसमें आप इस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं। लेकिन अब ये वेरिएबल प्राइवेट तो है, अगर नॉर्मल वेरिएबल होता तो एक्सेस हो जाना था। लेकिन यहां पर क्या है, आगे लिखा हुआ कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब ही आप उसको कर सकते हो। अगर बाद में एक्सेस करने की कोशिश की तो एरर है। देखो मैंने यहां पर इनपुट फंक्शन को कॉल भी नहीं किया, लेकिन ये कंपाइल टाइम एरर फिर भी देगा। क्यों? क्योंकि आप इसको एक्सेस से नहीं कर सकते कांस्टेंट वेरिएबल को किसी मेंबर फंक्शन में। इज इट क्लियर और नॉट, एनी डाउट? ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि ये आपको क्लियर है। अब कांस्टेंट फंक्शन का आइडिया क्या है, कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मॉडिफाई ना कर पाए। ठीक है, तो जहां आप कोई ऐसा प्रोग्राम चाहते हो एक्सीडेंटली आपकी वैल्यू मॉडिफाई ना हो जाए किसी फंक्शन में, तो आप मेंबर फंक्शन को क्या बनाओ, कांस्टेंट। उसका सिंटैक्स क्या है ये। अब यहां पर आप एक नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल वेरिएबल है, तो आप एक्स की वैल्यू को जीरो कर सकते थे। लेकिन जैसे ही आपने इस फंक्शन को क्या बना दिया, कांस्टेंट, दिस इज द सिंटैक्स हियर, तब आप डेटा वेरिएबल की वैल्यू को या ऑब्जेक्ट वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट। यहां पर देखो, अब अगर मैं x इक्वल टू जीरो को एक्सेस करूंगा तो क्या आएगा भाई, एरर। अब अगर मैंने यहां कांस्टेंट हटा दिया तो क्या एरर आएगी? यस एनीवन, एरर होनी चाहिए या नहीं? यहां पर डेटा वेरिएबल क्या है, प्राइवेट। प्राइवेट वेरिएबल को आप नॉर्मल फंक्शन में तो एक्सेस कर ही सकते हो, ठीक है, उसकी वैल्यू असाइन रीअसाइन करने के लिए, ठीक है, तो ये एरर नहीं होनी चाहिए। देखो ये क्योंकि हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया तो एज इट इज ये चल गया। अच्छा यहां पर बताओ भाई, यहां एरर होनी चाहिए या नहीं? यहां भी एरर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप वैल्यू को सिर्फ उठा रहे हो, उसकी वैल्यू को मतलब एक्सेस कर रहे हो, वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही आपने असाइन कर दी वैल्यू, यहां पर सॉरी पिछले केस में कांस्टेंट लिखना भूल गया मैं, तो यहां तो एरर नहीं आएगी, लेकिन यहां पर एरर आएगी। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। देखो अब ये कंपाइल हो जाएगा आपका। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कांस्टेंट। सो ये देखो, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई क्योंकि सिलेबस में दिया है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता था। सो नेक्स्ट इज दिस पॉइंटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसके ऊपर पूछ लेते हैं कई बार। अब दिस क्यों, दिस पॉइंटर का मतलब क्या है, यहां पर अगर हम स्लाइड्स में देखें, ये देखो, दिस पॉइंटर इज द एड्रेस टू द करंट ऑब्जेक्ट। मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट, आप इसको इस तरह भी बोल सकते हो कि दिस पॉइंटर इज द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। अब इसका मीनिंग क्या है और इसको यूज क्यों किया जाता है, ये मैं अभी आपको बताता हूं। ये एक सिंपल प्रोग्राम है। देखो यहां डेटा वेरिएबल का वेरिएबल क्या है, एक्स।
और जब कंस्ट्रक्टर बनाया तो कंस्ट्रक्टर का लोकल पैरामीटर का नाम भी क्या है, एक्स। दोनों वेरिएबल्स का नाम आपने एक्स रख लिया, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा एक्स किसका है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करें भी कौन सा एक्स किसका है। अगर यहां पे मैं क्या होगा भी, एनीवन, जो लोकल यहां पे अकेला एक्स लोकल वेरिएबल एक्स को ही आइडेंटिफाई करेगा, तो या फिर आपने रन किया यहां पे देखो, तो एक्स इक्वल टू जीरो आया। क्यों जीरो आया, क्योंकि यहां पर एक्स की वैल्यू आपने असाइन ही नहीं कर पाए इस एक्स को, ये तो इसने लोकल एक्स की वैल्यू ही मान ली जो कि जीरो थी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो आपको असाइन ही नहीं कर पाए, तो जो स्टार्टिंग में वैल्यू इसकी क्लास ने दी वही वैल्यू इसकी वहां पे प्रिंट होगी। तो अब इस कंफ्यूजन से दूर कैसे हो, तो यहां पर ऐसी उसके लिए डेफिनेशन में दिस का मतलब क्या था, दिस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई आप मेंबर फंक्शन बनाओ, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो जो करंट ऑब्जेक्ट है जिसके साथ आपका कंस्ट्रक्टर या मेंबर फंक्शन कॉल हुआ है, उसका एड्रेस दिस में जाएगा, ठीक है। सो दिस एरो एक्स, एरो कहां लगता है, जहां पर एड्रेस की बात हो रही हो, सो दिस एरो एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब आप करंट ऑब्जेक्ट मतलब ओबीजे डॉट एक्स इक्वल टू एक्स कर रहे हो। सो इस तरह से अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जो 20 की वो लोकल पैरामीटर इस वाले एक्स में पास हुई, दिस एरो एक्स मींस ओबीजे डॉट एक्स इक्वल टू 20। सो यहां पर क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए आपकी, 20। क्लियर, एनी डाउट हेयर। अब देखो मैंने इस चीज को बताया था, ये स्लाइड में नहीं बताया हुआ तो मैं यहां पर बता रहा कि दिस पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। यहां पर देखो ये तो वही वो प्रोग्राम हो गया, लेकिन मैंने शो फंक्शन में क्या किया, एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो वैल्यू आ गई एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट इन शो फंक्शन, तो वहां मैंने प्रिंट करवा ली दिस। तो कोई भी जो मेंबर फंक्शन होगा या कोई कंस्ट्रक्टर भी आपका मेंबर फंक्शन की तरह ही काम करता है, तो क्या होगा, उसमें जो करंट ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो कॉल हुए हैं, तो वो उसका एड्रेस आपका दिस में स्टोर होगा। तो दिस रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पर देखो फ्लो कैसे चल रहा है इस प्रोग्राम का, इंट मेन टेस्ट ओबीजे 20, सो 20 विल पास टू एक्स, और ओबीजे डॉट एक्स इक्वल टू एक्स मीन्स 20 वैल्यू ओबीजे डॉट एक्स की आ जाएगी। सो ओबीजे डॉट शो, तो यहां पर पहले एक्स सी आउट एक्स किया, ठीक है, और एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट इन शो फंक्शन दैट इज दिस। तो ये वाला दिस और ये जो एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट है, दिस शुड बी सेम, ये सेम होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए, तभी करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिस में स्टोर होगा अगर ये सेम है। सो दिस शुड बी सेम, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यहां पे देखो ये एड्रेस दोनों के सेम है, क्लियर, एनी डाउट। अगर मैं ये करता, तो यहां पर तीनों के एड्रेस सेम होंगे क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं,
क्या प्रॉब्लम आ गई है सेमीकोलन में? ये देखो ये वाले एड्रेस तीनों सेम है. इज इट क्लियर और एनी डाउट? सो दिस पॉइंटर के बारे में आपने यही याद रखना है कि इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट. करंट ऑब्जेक्ट मीन्स जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ आपने कोई मेंबर फंक्शन या कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो उस कंस्ट्रक्टर या मेंबर फंक्शन में उसका एड्रेस ऑटोमेटिकली पास होता है. सो ये बात आपने याद रखनी. क्लियर? यस सर. ओके. अब उसके बाद है टॉपिक आपका स्टैटिक ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ व्हाट आर स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स? हमने एक पहले प्रोग्राम किया था करो, ये प्रोग्राम है आपका. तो सबसे पहले कंट्रोल कहां जाएगा? इंट मेन में. फिर उसके बाद सी आउट स्टार्ट मेन आएगा. फिर माई फंक्शन चलेगा. जैसी माई फंक्शन चलेगा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. तो पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा. जैसी लाइन नंबर 12 उसको एनकाउंटर होगी तो डिस्ट्रक्टर चलेगा. सो इसकी आउटपुट क्या आएगी? पहले स्टार्ट मेन, फिर इन कंस्ट्रक्टर, फिर इन डिस्ट्रक्टर एंड देन एंड मेन. क्लियर? तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, पहले स्टार्ट मेन, फिर इन कंस्ट्रक्टर, फिर इन डिस्ट्रक्टर, देन एंड मेन. क्यों? क्योंकि यहां पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका स्कोप यहीं पर खत्म हो गया. बट इफ वी डिक्लेयर्ड दिस ऑब्जेक्ट, अभी तक हमने स्टैटिक वेरिएबल करा है, स्टैटिक डेटा वेरिएबल एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन. लेकिन जब हम कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक बना देते हैं तो वो जनरली इतनी इजीली डाई नहीं होता. तो मतलब यहां पे इसका अगर स्कोप खत्म भी हो रहा है तो वो यहां पे डाई नहीं होगा. कैसे? जैसे जनरली आपका स्टैटिक वेरिएबल एक तरीके से हम ग्लोबल वेरिएबल की तरह देखते हैं, उसी तरह से जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है वो एक तरीके का ग्लोबल ऑब्जेक्ट की तरह बन जाता है और उसका स्कोप यहां पर इजिली डाई नहीं होता. वो कब डाई होगा? जब आपका मेन का प्रोग्राम खत्म होगा. सो यहां पे अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, देखो पहले स्टार्ट मेन आया, इन कंस्ट्रक्टर आया, फिर एंड मेन आ गया पहले, इन डिस्ट्रक्टर बाद में. मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट डाई कब हुआ? जब लाइन नंबर 17 इसको एनकाउंटर हुई. तो ये प्रोग्राम क्लियर है या एनी डाउट? सर ये वाला फिर से बताना. अगर मैं यहां पे स्टैटिक नहीं लिखता तो क्या आउटपुट आती है? सबसे पहले स्टार्ट में ही चलेगा, फिर माई फंक्शन जैसी कॉल हुआ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ. जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ आपके पास एक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ. ठीक है. फिर उसके बाद लाइन नंबर 12 आई तो इन डिस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि इसका स्कोप इस ऑब्जेक्ट का लाइन नंबर 10 से 12 तक ही था. फिर ये वाला फंक्शन का जैसे हम एग्जीक्यूट कर चुके उसके बाद एंड मेन आई. तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं. बट इफ यू राइट हियर अ स्टैटिक कीवर्ड, तो स्टैटिक कीवर्ड से अब ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया आपका? स्टैटिक. तो स्टैटिक कीवर्ड से ये वाला ऑब्जेक्ट क्या बन गया आपका? स्टैटिक. तो इसका स्कोप इतनी इजीली डाई नहीं होगा. जब ये आपका पूरा प्रोग्राम खत्म होगा तब इसका स्कोप खत्म होगा. तो लाइन नंबर 12 में इसका स्कोप खत्म नहीं हुआ. दैट मींस इस ऑब्जेक्ट को अभी डिस्ट्रक्टर इस ऑब्जेक्ट का कॉल नहीं होगा. ठीक है. इस ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब लाइन नंबर 17 एनकाउंटर. क्लियर? तो इसीलिए अब इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? पहले स्टार्ट मेन आएगा, फिर माई फंक्शन जैसी आपने कॉल किया तो एक यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इन कंस्ट्रक्टर आया. फिर लेकिन ये इतनी इजीली डाई नहीं हुआ तो क्या होगा आपके पास? एंड मेन चलेगा. लास्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट डाई होगा. क्लियर? यस सर.
सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब जो ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट है ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म की आपको क्लास में मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि पॉली मींस मैनी, मॉर मींस फॉर्म्स। तो एक फंक्शन या एक कंस्ट्रक्टर की डिफरेंट फॉर्म्स आपकी पॉसिबल होती है तो उसको आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हो। सो लेट अस सपोज यहां पर इसी प्रोग्राम में, इसको मैं अभी ठीक है, अब लेट अस सपोज यहां मैं एक कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बना लिया है। इसमें आपके कोई भी पैरामीटर्स नहीं है। एक और बना लिया, ठीक है। अब आगे हमने एक ठीक है, एक में हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, एक में दो पैरामीटर है, एक में डबल वाला है और एक हमने ले लिया क्लियर। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स कितने बनाए, 1, 2, 3 and 4, और यहां पर हम उसको कॉल कर रहे हैं तो टेस्ट ओबी। यहां पर कोई भी हमने आर्गुमेंट पास नहीं किया तो कौन सा चलना चाहिए, इन कंस्ट्रक्टर मतलब विद नो आर्गुमेंट्स। ठीक है, ऐसे फिर ओबी 1, 2, ओबी 1, 3.5, ओबी 2, 2.3। तो यहां 2.3 के लिए कौन सा चलना चाहिए, 2 इंटीजर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, सर ओबी वन नाम के दो ऑब्जेक्ट, हाँ वो ठीक है, थैंक यू, वो आपकी बात मैं समझ गया। यहां पर एरर आएगी क्योंकि ओबी वन नाम के दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो ओबी टू ओबी थ्री। यहां पर आ गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गुमेंट्स। कॉपी कंस्ट्रक्टर, मैंने पहले कोई और प्रोग्राम भी इस नाम का कोई और प्रोग्राम भी मैंने बनाया होगा, सो लेट अस रीनेम इट। तो ये इसको उठा किसका रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर तो हमने यहां लिखा ही नहीं।
यस अब चला है। देखो यहां पे इन कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गुमेंट्स, वन डबल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, वन डबल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, टू पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अब यहां पर देख रहे होंगे आप कि यहां पर ओबी वन टू के लिए इसने किसको चलाया, इसको ही, क्योंकि डबल में इंटीजर टाइप का तो पहले से ही है। ठीक है, लेट अस सपोज मैं इसको ऊपर रखता, वो भी देखो वन डबल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, वन डबल पैरामीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास डबल टाइप का पैरामीटर है तो इसको ये किसमें ले रहा है, इसमें यहां पे वन डबल डबल इसका कॉमन था तो हमें पहले यहां पर इंटीजर इसको करना पड़ेगा। तो इसके बाद आप अब यहां पे देखो वन इंटीजर int parameter constructor, one double parameter constructor, two int parameter constructor, then start main, end main, and then वो। तो अब यहां को इसको यहां से relate करो ob, जैसी ob चला तो क्या चलेगा आपका in constructor with no arguments, ob one two किस type से match हो रहा है integer type से, ob two 3.5 one double parameter constructor, ob three 2.3 टू इंटीजर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। इज दिस प्रोग्राम क्लियर और एनी डाउट, एनी डाउट? सर इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं ना? हाँ, क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर की एक सिमिलर नेम मल्टीपल फंक्शनैलिटी है तो हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर लिया। अगर आप यहां कंस्ट्रक्टर भी बनाओगे तो वो भी ओवरलोडिंग। देखो ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, यहां पर क्या है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये तीनों क्या है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये चारों की है तो कंस्ट्रक्टर टेस्ट ही ना, नाम तो उसका लेकिन ओवरलोडिंग कर ली। क्लियर? बट सर हम सेम यूज कहां कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमको सोचो एक और इंट वाला ही बनाना हो तो हम सेम तो डाल नहीं सकते ना, वो नहीं डाल सकते सेम, उसमें तो एरर आएगी। वही तो सर, नहीं वो उसमें तो एरर होगी होगी, लेकिन हमारे पास ऐसे मल्टीपल तो हो सकते हैं ना नाम के, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। क्लियर? अगर टेस्ट इंट करोगे तो एरर आएगी, वो तो ऑब्वियस बात है, लेकिन अगर टाइप डिफरेंट है तो फिर एरर नहीं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर। एक्चुअली एक आपने पिछला डिस्क कीवर्ड का बताया था सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट जॉइन कर रहा था, तो सर दिस कीवर्ड को हम एरो ऑपरेटर से करते हैं या डॉट से करते हैं? एरो से करते हैं। ओके सर। यस एनी अदर क्वेरी? सर जब हम फंक्शंस में पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं सेम नेम के डिफरेंट फंक्शंस, तो उनको ऐसे ही कहते हैं ना कि डिफरेंट फंक्शंस है बट नेम सेम है, उसको फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। वो कांसेप्ट आपको करवाया जाएगा आफ्टर यूर एमएसटी। ओके सर। उसमें तो जैसा अभी मैंने बोला था ना, इसमें थोड़ा सा मैं, क्योंकि डबल और फ्लोट में आपको कई बार कंफ्यूजन होगी यहाँ पर, ठीक है, वो जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग करेंगे तो उसको डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर? ओके सर। अब ये बड़े सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का, जो मेनली आपको करवाना है, दैट इज डायनेमिक इनिशियलाइज इनिशियलाइजेशन। अब डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, लेट अस सपोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे आप पॉइंटर को बनाते हो कोई भी, तो इसको मेमोरी कब एलोकेट होगी, अगर ये ऐसे है आपको मेमोरी कब एलोकेट होगी, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, उसका प्रोग्राम के साथ उसी टाइम पर ये बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा प्रोग्राम के। लेकिन पी को मेमोरी कब एलोकेट होगी, रन टाइम पे,
को मेमोरी कब एलोकेट होगी? रन टाइम पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम डायनेमिक मेमोरी इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं, तो पी क्या है आपका पॉइंटर, इसको मेमोरी कब एलोकेट होती है? एट द रन टाइम। तो अब एक तो भी ये हो गया, ठीक है। अब पी में किसका एड्रेस स्टोर करवा रहे हो आप? आर का। पी में किसका एड्रेस स्टोर करवा रहे हो आप? आर का। लेकिन जैसे आपके पास सी में मैलोक होता था, यहां मैलोक क्या था? फंक्शन। न्यू क्या है? ऑपरेटर। अब आप किसी और वेरिएबल का एड्रेस नहीं करवा रहे, आप कंपाइलर से, कंपाइलर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इंटीजर टाइप की आप मेमोरी एलोकेट कर दो। क्लियर? सो अब अगर आप ऐसे करोगे तो आपको रन टाइम पे इंटीजर टाइम की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। सो मेरे अब एक क्वेश्चन का आंसर देना, क्या प्रिंट होगा भाई? यहां पर एरर क्या आएगी? देखो ध्यान से देखना जो मैं बोलूं, अब यहां पर एरर क्या आई कि आप स्टार पी को मेमोरी एलोकेट करी नहीं और उसको मेमोरी वो इंटीजर वैल्यूज असाइन कर रहे हो। आप ऐसे भी करो, आपने उसको रन किया, अब देखो इंटरेस्टिंग बात, प्रिंट कुछ नहीं हुआ और मेन ने रिटर्न क्या किया? जीरो नहीं रिटर्न किया, मतलब सक्सेसफुली प्रोग्राम आपका टर्मिनेट नहीं हुआ। क्यों नहीं टर्मिनेट हुआ? क्योंकि आपने इस पॉइंटर वेरिएबल को किसी को रेफर नहीं किया, ठीक है। अगर रेफर करते तो ये होना था। सो अब आपको int star p इज इक्वल टू न्यू int, तो अब आपने क्या किया, इसको पहले मेमोरी एलोकेट करवाई, फिर उस मेमोरी पे वैल्यू जो 9 है वो रखी, तो अब ये रन हो गया और इसकी रिटर्न वैल्यू क्या है? 0। सो इज दिस प्रोग्राम क्लियर? एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? तो अब यहां पर जो आपने ऐसे किया, इसका एक और मेथड था कि आप जैसे इसको इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट करते तो आपने पैरेंथेसिस में 9 डाल दिया। सो स्टार पी में अब 9 की वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर? एनी डाउट? जैसे आप मेमोरी को प्रोग्राम के थ्रू डायनेमिकली एलोकेट करवा रहे हो एक पॉइंटर को, ठीक है, उसके मतलब पॉइंटर वेरिएबल को रेफर करवा रहे हो, यू कैन आल्सो डिलीट दैट मेमोरी। तो जैसे डिलीट करना है, डिलीट का सिंटैक्स है डिलीट पी, देखो पहले क्या थी 9, उसके बाद डिलीट करवाया तो वहां से वो 9 वैल्यू चली गई। अब ये कईयों के सिस्टम में वही वैल्यू भी आ सकती है, क्यों? क्योंकि अब आपने डिलीट के साथ क्या किया, मेमोरी फ्री करवा ली, मतलब उसका कंट्रोल पी के पास नहीं है, उस मेमोरी पे अब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो फ्री है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस मर्जी एड्रेस को रेफर कर सकता है, तो जो भी एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी तो वही प्रिंट हो गई। तो अगर किसी के सिस्टम में 9 भी आ गई तो वो ये ना समझे कि आपका डिलीट ऑपरेटर चला नहीं, डिलीट ऑपरेटर चला है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने अभी वहां पे वैल्यू को चेंज नहीं किया।
ठीक है, एनी डाउट इसमें? सर ये क्या है था 596 वाला? ये तो 596, अब स्टार पी पे क्या होगा, जो पी के पास एड्रेस था उस पे जो वैल्यू, जो पी में जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या थी किसी एड्रेस की, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो स्टार पी थी, तो इसलिए हमें 9 शो हो रहा था। अब जो एड्रेस पी में स्टोर था उसके ऊपर पी का कंट्रोल चला गया आफ्टर लाइन नंबर 8, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस एड्रेस, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो वाला एड्रेस फ्री है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ओवरराइट ऑन दैट वैल्यू बिकॉज नाउ इट इज फ्री फ्रॉम पी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर ओवरराइट कर ही देगा, तो वहां पर आपको अलग वैल्यू मिली, तो मतलब गार्बेज वैल्यू जो भी पड़ी होगी पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम की वो आपको दिख गई। क्लियर? यस सर। नाउ दिस इज द सिंटैक्स, ये सिंटैक्स क्या है, देखो यहां राउंड ब्रैकेट्स नहीं है, अगर राउंड ब्रैकेट्स होते तो स्टार पी को वो वैल्यू असाइन हो जाती है, तो ये है कॉन्सेप्ट आपका पॉइंटर टू एरे। तो पॉइंटर टू एरे में आप अब यहां पर डायनेमिकली आप क्या कर रहे हो कि इंटीजर टाइप के 6 मेमोरी, 6 इंटीजर टाइप की मेमोरी को आपने एलोकेट करवा दी, ठीक है, और उसके बेस एड्रेस को कौन पॉइंट कर रहा है, स्टार पी। तो जब भी अब एरे की बात होती है तो आप लूप के थ्रू एक्सेस करते हो, तो सी इन पी ऑफ आई, तो यहां यूजर से करवाया, फिर आपने सी आउट करवाया, ठीक है। एरे को डिलीट करवाने का सिंटेक्स ये है, पहले डिलीट फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर पी और फिर वैल्यू ऑफ आफ्टर डिलीशन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या डाउट है इसमें? देखो ये सेम बात है ना ऐसी, ये एक ही चीज होती है ना, क्लियर है ना, ये तो एक ही चीज होगी। यहां पर देखो, अगर नहीं क्लियर, यहां पर आपने एक एरे बनाया हुआ है पी, इसको आप ऐसे भी अगर ये वाला प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, एनीवन? इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आनी चाहिए? टू आएगी। टू आएगी, वेरी गुड। अगर ये ऐसे हो आपके पास, मैं थोड़ा सा कितनी आएगी, 23? यस सर। अब कितनी आएगी? 56। अगर अकेला स्टार पी होता तो 10, तो एरे को हम पॉइंटर की तरह तो यूज कर ही सकते हैं। वैसे ही यहां देखो, ये भी वही बात होगी ना, चाहे पी ऑफ आई कर लो चाहे स्टार पी प्लस आई कर लो, अकेला पी प्लस आई क्या होता, एड्रेस। क्लियर? तो आप चाहे इसको ऐसे कर लो, P of I क्या है, वैल्यू। तो यहां पर आपने ये किया, तो लेट अस सपोज अब आप एग्जीक्यूट करते हो, देखो बिफोर डिलीट ऑपरेटर वही वैल्यूज प्रिंट होगी, लेकिन वैल्यू आफ्टर डिलीशन क्या आई, ये। लेकिन लास्ट टू वाले आप देखोगे तो सेम है, क्योंकि बाय चांस वो लास्ट टू पे मेमोरी उसने चेंज, ऑपरेटिंग सिस्टम ने वैल्यूज उस मेमोरी पे चेंज नहीं करी। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? एनी डाउट? अभी आप इस प्रोग्राम को देखो, मैं एक मिनट में दोबारा आता हूं, ठीक है? तो अगर कोई डाउट आया आपके मन में तो मेरे से पूछ लेना, एक मिनट के बाद हम ज्वाइन करते हैं।
Yes, any doubt? Is it clear? So next very important concept is pointer to object. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को अब पॉइंटर का कैसे होगा वो कॉन्सेप्ट वो अभी हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम यहां पे देखो क्लास ए, सो दैट मींस क्लास ए. सो व्हाट इज दिस कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर में है और इसका डेटा वेरिएबल इज पी. क्लियर? डेटा वेरिएबल इज पी और कंस्ट्रक्टर में हम क्या कह रहे हैं कि एंटर दी वैल्यू और फिर सी इन पी और आउटपुट में उसकी वैल्यू पॉइंट वो कर रहे हैं और एक डिस्ट्रक्टर बना हुआ है. ठीक है, अगर इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता हमारा तो उस कैसे एक्सेस करते? ए ओ बी डॉट आउटपुट. ये प्रोग्राम कैसे चलता है? जैसे ही ए ओ बी करते तो कंस्ट्रक्टर रन होता, जो भी हम पी की वैल्यू को इनपुट करते ओ बी डॉट आउटपुट में वो वैल्यू शो हो जानी थी और लास्ट में क्या होना था? डिस्ट्रक्टर चलना था क्योंकि हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है. यहां पर अच्छा कुछ डालना पड़ेगा तो इसको एंटर वैल्यू मैंने 9 प्रेस किया. एंटर वैल्यू कहां था? कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ सी इन 9 किया हमने और उसके बाद 9 वो हुआ और डिस्ट्रक्टर आपका चल गया. सो इस प्रोग्राम में तो ये नॉर्मल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सो लेट अस सपोज ये मैंने पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बना दिया. ठीक है, आप ध्यान में रखनी है कि यहां पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास. लाइन नंबर 26 में ओनली वन ऑब्जेक्ट इज देयर, सो कंस्ट्रक्टर विल रन ओनली वन टाइम. सो स्टार ओबी वन, तो ओबी वन इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है. सो अगर आप लिखोगे ओबी वन इज इक्वल टू एम्परसेंड ओबी, तब ओबी का एड्रेस ओबी वन में आएगा और स्टार ओबी वन में ओबी की वैल्यू. ये बात आप ध्यान में रखना. ठीक है, अब आप चाहते हो कि ओबी वन के थ्रू मैं ये वाला मेंबर फंक्शन एक्सेस करूं. एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी बात एड्रेस की होगी, ओबी वन में क्या है एड्रेस ऑफ ओबी, तब आप एरो ऑपरेटर यूज करोगे. तो अब ये सेम है, सेम वैल्यू एज ओबी डॉट आउटपुट. क्यों? क्योंकि इसमें उसी का ही एड्रेस पास किया था तो इसमें भी वैसे ही चलेगा. एंटर वैल्यू हमने 999 डाली और वही आ गई. सो डिस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हुआ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब लेट अस सपोज यहां मैं ओबी वन के साथ, मैंने बोला यहां एड्रेस है तो एरो हुआ. लेट अस सपोज ओबी वन के साथ मैं डॉट ऑपरेटर के साथ यूज करना चाहता हूं, तो मुझे ओबी वन के थ्रू उसकी वैल्यू को लेकर आना पड़ेगा. सो वैल्यू को कैसे लेकर आऊंगा? स्टार के साथ. क्लियर? सो दैट मींस कि चाहे आप डॉट यूज करो, अगर यहां पर इट इज सेम एज ओबी, अगर डॉट के साथ करना है तो आपको हमेशा वैल्यू चाहिए, अगर एरो के साथ यूज करना है तो आपको हमेशा
एड्रेस चाहिए. सो दिस इज क्लियर और नॉट क्लियर? अब सपोज करो हमें पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट को, हमें पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट का नहीं पास करना, वी हैव टू यूज न्यू ऑपरेटर. मैं न्यू ऑपरेटर के साथ इसको मेमोरी एलोकेट करना चाहता हूं, न्यू ए. तो अब इस केस में क्या होगा, ध्यान रखना कि इस केस में न्यू ए कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि मेमोरी एलोकेट करना. तो आप लाइन नंबर 27 में न्यू ए टाइप की आप मेमोरी एलोकेट करवा रहे हो, ठीक है. कंस्ट्रक्टर में इसमें आप मेमोरी एलोकेट नहीं करवा रहे हो, तो कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट होगा. स्टार ओबी वन डॉट आउटपुट ये तो पहले की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें आप अगर चाहे ये यूज कर लो, चाहे इसके अलावा ये कर लो, एक ही बात है, ठीक है. तो यहां पर वो एक ही बात थी. अब लेकिन इस केस में एक आप चीज इंटरेस्टिंग देखोगे कि आप पर डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा. वो क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप खुद से मेमोरी एलोकेट करवा रहे हो. जब तक आप जो मेमोरी आपने खुद से एलोकेट करवाई है, जब तक उसको आप डिलीट नहीं करोगे, तब आपका डिस्ट्रक्टर नहीं चलेगा. तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोग्रामिंग फॉल्ट है कि मेमोरी लीकेज है, कि आपने मेमोरी को एलोकेट करवा लिया लेकिन प्रोग्राम टर्मिनेशन के बाद भी वो रैम को ऑक्यूपाई करके रखेगा. पहले मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता, वैल्यू प्रिंट भी होगी लेकिन डिस्ट्रक्टर नहीं चला. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑल्सो डिस्ट्रक्टर नहीं चला. तो अब ये एक प्रोग्रामिंग फॉल्ट है, तो इस प्रोग्रामिंग फॉल्ट को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू डिलीट अब डिस्ट्रक्टर आपका देखो चल गया. सो एनी डाउट सर, हमें यहाँ पे डिलीट क्यों करना पड़ा सर? डिलीट देखो अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि मेमोरी यहाँ पे एलोकेट किसने करवाई, आपने न्यू के साथ, आपने किसी का एड्रेस तो रेफर किया नहीं, ठीक है, जो कंपाइलर ने जिसको पहले से दे, तो आपने एलोकेट करवा ली. तो ये क्या कहता है कि आप डिलीट भी खुद से करवाओ. तो जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तो ये मेमोरी फ्री नहीं करेगा. क्लियर? ओके सर, ओके सर. एनी अदर डाउट? अब यहां पे एक क्वेश्चन हो सकता था कि लेट अस सपोज ये एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता, तो उस केस में आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से ये ऑब्जेक्ट टाइप की मेमोरी कैसे करोगे. लेट अस सपोज ऐसा है प्रोग्राम आपका, तो यहां पर साथ ही में पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट पास कर, ठीक है. सो ये प्रोग्राम में किसी को डाउट हो. नेक्स्ट इज पॉइंटर टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आपके सिलेबस में दिया हुआ है एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स. वो देखो काफी डिफिकल्ट है, तो हम सभी फैकल्टी मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है कि एक्चुअल में वो टॉपिक होना चाहिए था पॉइंटर टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो जो उस बुक सिलेबस में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, दिस मीन्स एरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट, ठीक है. लेकिन ये वाला तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे, वो अगर आप करना चाहोगे मैं करवा दूंगा वो बाद में, लेकिन जो अभी हम करेंगे वो करेंगे ये. यस, इसका मीनिंग क्या है,
ओबी वन इज इक्वल टू न्यू ए थ्री, यहां पर तीन ए टाइप की आपने कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेट करवा ली, तो आप तीन टाइप्स की अगर आपने करवा ली तो कंस्ट्रक्टर कितनी बार चलेगा, तीन बार। सो लेट अस सपोज टू मेक इट इजी कि ये अब ये आपका वैसा ही है, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ पी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कैसे होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वो होता तो कैसे होता। तो यहां पर हमने ये कर लिया, तो जैसे ये चलेगा तीन बार आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि तीन बार आपने तीन मेमोरी टाइप का ये किया है। तो अब अगर आप इसको करना चाहोगे आउटपुट फंक्शन में तो आपको यू हैव टू यूज लूप हियर, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, डॉट या एरो, वो भी राउंड ब्रैकेट आई, ये क्या एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है या वैल्यू को, वैल्यू को, वैल्यू को, तो वैल्यू को है तो डॉट ऑपरेटर विल बी हेयर, वो भी वन आएगा, हाँ नहीं वो भी वन नहीं आएगा, यहां पर आएगा वो भी वन, हाँ वहां पर वो भी वन नहीं आएगा, यहां भी वन आएगा, ठीक है, थैंक यू जिसने भी गलती पॉइंट आउट। अब यहां भी डिलीट ओबी वन, ठीक है, तीन बार आपका डिस्ट्रक्टर चल गया क्योंकि तीन ऑब्जेक्ट बने थे। क्लियर, एनी डाउट? अगर आप डिलीट नहीं करते तो डिस्ट्रक्टर नहीं चलना था। अच्छा भाई, इसको अगर मुझे एरो के साथ करना होता तो क्या करना पड़ता यहां पे, आप कोई भी फॉर्मेट आप या जो कोई भी सिंटेक्स क्रैम नहीं करना, जब एड्रेस की बात है तो एरो यूज करना है, जब वैल्यू की बात है तो आपका देखो ये चल गया, या वैल्यू की बात है तो डॉट। क्लियर, अगर इसको और कॉम्प्लेक्स तरीके से चाहते हो कि यहां पर मुझे वैल्यू चाहिए उसकी, तो ये तो समझने की बात है कि एक ही बात होगी, ये तो चाहे जैसे मर्जी से कर लो। क्लियर, एनी डाउट, एनी डाउट? नो सर। सो ये आपका यूनिट टू तक का मैंने सिलेबस करवा दिया, बस एक फ्रेंड क्लास पेंडिंग है वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। सर यस सर, इसमें ये डिलीट वाले में सिंटेक्स है सर ये ऐसा ही, और डिलीट के साथ पहले स्क्वायर ब्रैकेट आएगी फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो था आपको एरे का यहाँ पे जो इंटीजर एरे में भी करवाया था ना, ये इसका सिंटेक्स है। अगर एरे को पूरे के पूरे, क्योंकि यहाँ पर पूरे एरे की बात हो रही है ना, उसको जो पॉइंटर टू एन एरे है तो उतनी मेमोरी लोकेशन ये फ्री कर देगा। क्लियर? यस सर। सिंटेक्स है सर, एक बार ये टॉपिक का नाम बता दे। किस टॉपिक का? ये सर एरे ऑफ पॉइंटर वाला जो आप कह रहे थे। ये देखो, ये मैंने अभी क्या आपको करवाया है, स्टार्टिंग में आपको न्यू एंड डिलीट करवाया, फिर ये इस प्रोग्राम में, हाँ इस प्रोग्राम में आपको क्या करवाया, पॉइंटर टू एरे,
pointer to array of objects, नहीं pointer to object and pointer to array of objects. Okay sir. ठीक है. So last topic for today is friend class, जो unit number 2 का pending है, क्योंकि आपकी lab में अगर वाइवा में वो question पूछेंगे तो यूनिट 2 तक पूछ सकते हैं. तो यहां पर फ्रेंड क्लास क्या है के जैसे फ्रेंड फंक्शन में आप क्या करते हो कि प्राइवेट डेटा वेरिएबल्स एक आप फंक्शन दूसरे फंक्शन जो मेंबर फंक्शन नहीं है उसमें आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड क्लास में उस क्लास में भी आप एक्सेस कर सकते हो. लेट अस सपोज यहां पर क्या है, क्लास ए है आपके पास, उसका डेटा वेरिएबल आई, इसका स्कोप क्या होगा, पब्लिक है या प्राइवेट? एनीवन? प्राइवेट. प्राइवेट है ना, तो ये इस क्लास के बाहर यूज नहीं कर होना चाहिए. लेकिन आपने क्लास बी को इस क्लास का क्या बना दिया, फ्रेंड, फ्रेंड क्लास. तो यहां पर आप देखो void show किस क्लास का मेंबर फंक्शन है, बी क्लास का. ए क्लास का तो कोई लेना देना नहीं इससे, तो ए यहां पर ये किसको एक्सेस, इसका पैरामीटर किसका है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट है ए. सी आउट आई इक्वल टू ए डॉट आई, तो आप यहां पर इसको एक्सेस कर रहे हो, समझ गए, ए डॉट आई को आप एक्सेस कर रहे हो, तो यहां पर आपने वैसे ही इसको शो करवा लिया तो ये चलेगा. एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम कि आपने पूरे के पूरी क्लास को ही फ्रेंड बना लिया, तो पूरी की पूरी क्लास में जो भी मेंबर फंक्शंस होंगे वो ए क्लास के प्राइवेट डेटा वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर पाएंगे. क्लियर है ये? एनी डाउट? सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. ठीक है, ये मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको आज शाम तक दे दूंगा. क्लियर सर? वाइवा सॉरी लैब इवैल्यूएशन में कहां तक आना सर? फर्स्ट टू यूनिट्स स्लाइड सेट 2 तक. ओके सर. ठीक है, स्लाइड्स कहां पे है ये आपके, अगर एलएमएस ओपन करते हो शो हो रही होंगी, मैं दिखा देता हूं आपको. सर शो नहीं हो रही थी सर. हो नहीं रही, वरना यूटीए 018 करोगे तो भी शो हो जाएगी गूगल पे क्वेरी. ठीक है सर, UPA 081 पर हो रही है. ठीक है, एल्टन के ऊपर ना एक ड्राइव का लिंक है, उस पे आपको शो नहीं हो रही? यस सर, उस पर है. ठीक है, वो ड्राइव का लिंक नहीं खोल के देखा. नहीं खोल के देख लो, वो एक्सेसिबल तो होगा मुझे मेरे हिसाब से. सिलेबस आपका जो भी है वो डाल दिया है ऊपर. ठीक है सर, लैब में कहां तक आएगा सर, आप इसको रिपीट कर सकते हो? स्लाइड सेट 2 तक मैं यहीं बता देता हूं. देखो प्रोग्राम वाइवा वो आपके यहां तक पूछ सकते हैं. ये रही ना लेक्चर स्लाइड्स. ये वाली में से नहीं, ये सिलेबस के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये डिटेल्ड स्लाइड्स हैं. ये वाली जो है इसमें आप स्लाइड सेट 1 एंड स्लाइड सेट 2 कर लो. ठीक है, अगर सिलेबस देखना चाहते हो सिलेबस के हिसाब से, ये वाले यूनिट्स हैं ना जो वो कर ले. एक सॉरी एक टॉपिक रह गया अभी, यहीं देखने से याद आ गया कि कंस्ट्रक्टर्स विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स. ठीक है, कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स. देखो ये कंस्ट्रक्टर इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो अभी आपने किया है ना,
यहां पे जैसी ये तीन टाइप की बनी तो कितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? तीन बार ठीक है। अब क्या है कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ये रह गया है आपका, वो मैं सर एक बार क्या करूं, एक बार दिखा दो प्लीज क्या सर वो जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स था सर वो एक बार फिर से दिखा दो ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा। कौन सा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स? ये वाला प्रोग्राम सर, पॉइंटेड टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये वाला? यस सर ओके थैंक यू सर। लास्ट टॉपिक इज आपका कंस्ट्रक्टर्स विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ये देखो। अब यहां पर आपके पास एक ही कंस्ट्रक्टर है, कोई कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं है, ठीक है, ए वाला एक ही कंस्ट्रक्टर है, लेकिन आपने यहां पर क्या किया, इंट ए इक्वल टू -99, इंट बी इक्वल टू -88, आई इक्वल टू ए, जे इक्वल टू बी, ठीक है। अब इस प्रोग्राम की आप आउटपुट बता सकते हो, यहां पर हुआ क्या कि मेन में जैसी पहला ऑब्जेक्ट बना ए, पहला ऑब्जेक्ट ए बना तो ए के ए की वैल्यू कितनी सेट होगी, -99, बी की वैल्यू -88, तो आई में कितनी चली जाएगी वो वैल्यू, -99 एंड -88 जे में, तो ए डॉट शो के केस में कितना आएगी आउटपुट, -99 एंड -88, बी डॉट शो में जो वैल्यू यहां पास कर दी वो तो एज इट इज आ जाएगी 22, लेकिन जब नहीं पास करी तो क्या आएगा, -88। चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, देन वी कैन रिलेट इट बेटर। ठीक है, ये अब यहां पर देखना आउटपुट क्या आई, -99, -88, 22, -88, 1 और 2, ये ऐसा क्यों हुआ उसके ऊपर डिस्कशन हो। ए ए ठीक है, यहां पर मैं इसको लेट अस सपोज अभी ओबी का नाम दे देता हूं, बी को मैंने नाम दे दिया ओबी वन का, अब जैसी ए ओबी कॉल हुआ तो ओबी डॉट ए आई की वैल्यू कितनी सेट होगी, एनीवन, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा आई इक्वल्स टू ए क्योंकि हमने कुछ पास नहीं किया तो -99 और यहां पर -88 जे की वैल्यू सेट होगी, तो ओबी डॉट शो में क्या आएगा, -99 एंड -88, ओबी वन डॉट शो ओबी वन 22, तो ए की वैल्यू यहां कितनी पास होगी 22, अब इस केस में -99 नहीं रहेगा तो यहां कितनी पास होगी 22, और सी और सॉरी सेकंड आर्गुमेंट बी तो हमने पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट कितनी होगी -88, क्लियर, सी वन कॉमा टू, तो यहां ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, दैट मींस आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 2, तो वैसी ही आउटपुट है। सो एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम सर, अगर हमें फर्स्ट वाला पास ना करना हो सेकंड करना हो तो कॉमा डाल के कर पॉसिबल ही नहीं सर, कॉमा डाल के करेंगे ना कैसे, नहीं वो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ओके सर, अगर आपने यहां पर
फर्स्ट आर्गुमेंट आप ये कह रहे हो ना कि मैं फर्स्ट आर्गुमेंट नहीं पास करना चाहता, सेकंड करना चाहता हूँ। यस सर, ओबी वन में वो पॉसिबल बाय डिफॉल्ट हमेशा फर्स्ट ही होगा, पहले हमेशा पास। इसको आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ ट्राई करो, ठीक है? जहां पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मंडे को हमारी क्लास है, मेरे साथ डिस्कस कर, क्लियर? तो कोशिश होगी कि मैं नेक्स्ट टू लेक्चर्स में आपका सिलेबस वाइंड अप कर दूं, और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा वो डाउट क्लास की तरह रखें, ठीक है? सो एनी डाउट सर? अभी एक बार तो सिलेबस हो गया ना वैसे? नहीं, अभी तो सेकंड यूनिट तक हुआ है ना, एमएसटी तक का नहीं हुआ। एमएसटी में अलग से, ठीक है सर, ठीक है ना, क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।